शनिवार को महानगर के शास्त्री चौराहे पर बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू और कश्मीर में हो रही हिंदुओं के हत्याओं के विरोध में पाकिस्तान का पुतला एवं झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी में विगत 5 दिनों से 7 भारतीयों के नृशंस हत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग किया कि जिहादी आतंकवाद पर नकेल कसने हेतु पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए तथा हिंदुओं प्रवासियों की घाटी में उनके पुनर्वास की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर संगठन मंत्री रोहित कुमार, दक्षिण भाग के संयोजक नवीन चंद, सुरक्षा प्रमुख रंजीत कसौधन, अशोक सिंह, अभिषेक पांडे, राजा यादव समेत बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, आज पूरे भारतवर्ष में जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से प्रायोजित पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान और तालिबान के सहयोग से जो हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है उसके विरोध में बजरंग दल ने ये पुतला दहन और झंडा जलाने का कार्य किया है। वो पाकिस्तान और उनके तथाकथित सेकुलर जो हमारे देश में ऐसे लोगों के जो संवेदना जिनके प्रति ऐसे लोगों के प्रति रखते हैं उनके प्रति संदेश देने का काम कर रही है कि अगर वो लोग बाज नहीं आए तो बाती हो चुकी है और बजरंग दल का कार्यकर्ता झुक करके घुस करके बदला लेगा और उनकी कब्र यही भारत में खोद देगा।